हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका इंडियन रिटिवर्स के आज के एपिसोड, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आरआरटीए से जुड़ी एक नई डेवलपमेंट जो कि हुई है नए साल पे, जो जुड़े रही है आज के एपिसोड में लास्ट तक। फ्रेंड्स, नौ वर्ष में ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि ओवर जिसे हम ओएचई के नाम से जानते हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए आरआरटीए को दोहाई डिपो के फीडिंग पोस्ट से लेकर गाजियाबाद स्टेशन के पास बने फीडिंग पोस्ट तक 25 केवी की क्षमता के साथ चार्ज किया गया। इसके परीक्षण के लिए ट्रेन को पहली बार डिपो से बाहर निकालकर गाजियाबाद तक भी लाया गया। परियोजना के लिए कार्यरत सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, आर्किटेक्ट और कर्मचारियों के लिए यह एक अनोखा और पहला अनुभव रहा, जिसमें देश के प्रथम रीजनल रेल के लिए ओएचई का टेस्टिंग किया गया और वो भी सक्सेसफुल रहा। ट्रैक और ट्रैक्शन के परीक्षण की प्रक्रिया में आरआरटीएस ट्रेन को दोहाई स्टेशन से चलाकर गुलदर स्टेशन पर ले जाया गया, जिसमें ट्रेन की रफ्तार को केवल 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर चलाया गया। यहां तक ओएचई का प्रदर्शन सफल रहने के बाद ट्रेन को गाजियाबाद स्टेशन की ओर बढ़ाया गया और ट्रेन से पहले बने क्रॉस ओवर से ट्रेन को वापसी के लिए तैयार किया गया। इस पूरे दौरान ट्रेन को ऑपरेटर ने ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे TCMS कहा जाता है, उसके हिसाब से मैनुअल तरीके से चलाया। गाजियाबाद से वापसी के दौरान ट्रेन को ओएचई के परीक्षण के लिए लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। वापसी में भी ट्रेन को पहले गुलदर स्टेशन पर आया और फिर वहां से दोहाई स्टेशन पर निकल गया, जहां से आगे वो डिपो के तरफ। इस पूरे सेक्शन में ओएचई इंस्टॉलेशन का काम लगभग फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है और बहुत जल्द ही पूरे प्रायोरिटी सेक्शन जो कि 70 किलोमीटर का है और जो लगभग साहिबाबाद से स्टार्ट होकर दुहाई स्टेशन तक जाता है, इस पूरे सेक्शन को चार्ज कर लिया जाएगा और इस पूरे सेक्शन पे आरआरटीएस की ट्रेन की टेस्टिंग की जाएगी। जानने लग एक बात ये भी है कि पूरे प्रायोरिटी सेक्शन को इस वर्ष मार्च 2023 तक चलाने का प्लान है और इस सेक्शन में 5 स्टेशन हैं। जी हाँ, आप ये जान लीजिए, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये सभी स्टेशन ट्रायल रन के लिए बनकर तैयार हो चुके हैं और वर्तमान में इनकी फिनिशिंग की जा रही है। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये ट्रेन अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट करके ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी पहले प्रायोरिटी सेक्शन पर। जी हाँ, सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्शन पर, उसके बाद पूरे के पूरे 82 किलोमीटर के लिए इसे फेज बाय फेज तैयार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रिटिवर्स का चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।